इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते हैं कि रहमान फाउंडेशन एक मारूफ इदारा है जो सामाजिक खिदमात को अंजाम देता रहता है, लिहाजा बेलगाम शहर में भी कई सारे खिदमात रहमान फाउंडेशन की जानिब से अंजाम दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हनीफ सिद्दीकी साहब, मोहम्मद हनीफ सिद्दीकी साहब, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो रहमान फाउंडेशन के तहत जो कामों को अंजाम दिया है उसके मुख्तलिफ अल्फाजों में उसके तफसीलात बयान करें। सबसे पहले हनीफ भाई, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। बताइए कि रहमान फाउंडेशन जिस कदर पूरे मुल्क में, सिर्फ बेलगाम ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो खदमात अंजाम दे रहा है वाकई काबिल सताइश है, लिहाजा बेलगाम के तालुक से बताइए कि आपने क्या क्या कामों को अंजाम दिया और जो आज मेडिकल कैंप जो मुनक्कद किया गया उस तालुक से भी बताइए। जी शुक्रिया सर। मैं रहमान फाउंडेशन के तालुक से ये बताना चाहूँगा कि बेलगाम रहमान फाउंडेशन का जो ब्रांच है करीब आज से 10 साल पहले शुरू हुआ है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की निगरानी में रहमान फाउंडेशन चलता है। यहाँ का जो बेलगाम ब्रांच का जो इंचार्ज है मोहम्मद हनीफ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, जो दवाइयाँ का निज़ाम है, जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए दवाइयों का निज़ाम है, जो बच्चियाँ और बच्चे जो माशाल्लाह एसएलसी है पीयूसी के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन आगे पढ़ने की उनकी हैसियत नहीं है उनको हेल्प करते हैं। बेवा पेंशन्स दिए जाते हैं माशाल्लाह, जो तहकी करके 1,500 से 3,000 तक के बेवा पेंशन्स देते हैं। फिर जो अभी गुज़िश्ता फ्लड आया था अभी कोविड-19 केस में, राशन किट्स तकरीबन 1,000-1,200 रुपये के राशन किट्स तकसीम करते रहे। बस खिदमत यह है कि इंसानियत को राहत पहुँचे और इंसानियत पैसों की वजह से और ज़रियात की वजह से परेशान ना हो। हम लोग हर वक्त हमेशा 24 घंटे तैयार है। रहमान फाउंडेशन की पूरी टीम नौजवानों की टीम है। बेलगाम में हज़रत मौलाना साजिद साहब के ज़ेर निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम कर रहे हैं और रहमान फाउंडेशन के ब्रांचेज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में बॉम्बे में है, कोल्हापुर, सांगली, इचलकरंजी, यूपी के अंदर है, फिर बेलगाम है, बेलगाम के मुख्तलिफ गोकाक तालुका है, बैलुंगल है, सौंदती है, करवेश है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान टीम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मोहम्मद हनीफ सिद्दीकी साहब। इन्होंने जो है जिस कदर रहमान फाउंडेशन कामों को अंजाम दे रहा है, खिदमात को अंजाम दे रहा है पूरे मुल्क भर में और बेलगाम में भी जो काम चल रहा है वो काबिल सताइश है। जिन्होंने बताया कि बाढ़ से लेकर कोविड तक उन्होंने जो कामों को अंजाम दिया है गरीबों को राशन किट तकसीम करने का, ये वाकई काबिल सताइश इकदाम है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज रहमान फाउंडेशन की जानिब से एक मेडिकल कैंप यहाँ पर आज़मनगर में मुनक्कद किया गया है और इस मेडिकल कैंप का मकसद जो है लोगों के इस बीमारी को खौफ निकल जाए और बुला झिझक जो है डॉक्टरों के पास पेशेंट आना शुरू करें। आज यहाँ से माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और जहाँ पर हर मोहल्ले में अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की जानिब से मेडिकल कैंप मुनक्कद किए गए और एक मेडिकल कैंप का मुनक्कद करने का मकसद जो है लोगों के अंदर कोरोना वायरस का डर और खौफ निकल जाए। ये बीमारी असल में डर और खौफ की वजह से इंसान जो है अपने अंदर पैदा कर ले रहा है। इसे बिल्कुल हल्के में भी ना ले और ये पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान का जो है आज परसेंटेज देखा जाए तो बहुत तेज़ी के साथ जो है ये बढ़ रहा है और हमें चाहिए कि हम अपने मस्जिद में जिस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं उसी तरीके से नमाज़ पढ़ते रहें और घरों में भी जो है सोशल डिस्टेंस रखें, बाहर भी ज़्यादातर ना घूमें और बिला ज़रूरत जो है अपने घरों से ज़्यादा ना निकले। आसपास जो आज महाराष्ट्र देख रहे हैं बड़े तेज़ी के साथ जो है ये बीमारी फैल रही है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी और वबा को जल्द से जल्द जो है इस दुनिया से ख़त्म करें। व्यवस्थित
ये पहले तो ये महामारी का जो माहौल चल रहा था तो इसमें जो बार बार न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ पे अस्पताल में बेड नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, तो ये ऐसे बार बार मैंने न्यूज़ सुने। सुनने के बाद में एक ऐसे सोचा, तो मेरा एक ग्रुप है जो BSS इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम बिल्डर लाइन में काम करते हैं, तो हमने बैठा के सोचा फिर कैसे क्या करना है, तो हमारी तरफ से कुछ क्या करना है, ताउन करना है, कैसे कैसे मदद कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे बैठे वक्त पे क्या हो गया कि ये जो हॉल है इसको जो है कोविड सेंटर बना के यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो भी हम गैस सिलेंडर, फिर अंजुमन जिला इस्लाम भी जो है हमें बहुत उसमें जो है इन्होंने मदद की, जो गैस हमने प्रोवाइड किया, तो वहाँ से हमारी टीम है, जैसे कि हमारे आफ्ताब भाई है, निसार बिल्लोड़ी है, तो ये हमारी पूरी टीम, हमारे इम्तियाज़ भाई, फिर मुजम्मिल कितूर, शुएब और हमारे टिल्लू भाई, ये सब लोग जो है बैठ के डिस्कस करने के बाद में एक नतीजे पे पहुँचे कि यहाँ पे जो है एक कोविड इंफॉर्मेशन सेंटर प्लस जो है उसके गैस का ये किया जाए। तो इसलिए वक्त में जो है मैंने हॉल की जो है बुकिंग को अपने रोक लिया और इसमें जो है ये करना सोचा। फिर उसमें आगे एक सजेशन ये आने लगी कि ये आप हॉल के बजाय अगर अस्पताल ही करेंगे तो कैसे रहेगा, तो फिर वहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे एक BSS हेल्थ केयर बोल के बनाया जाए। तो उसके बारे में बहुत सारे डॉक्टरों से हमने रब्ता किया हुआ है, तो उन्होंने भी हमें बहुत सारा सपोर्ट, यानी बहुत सारा जो है अपना वक्त हमें देने की ये की है। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। बस तमाम हमारे बेलगाम के रहवासियों से एक गुजारिश है कि आप जो है इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि हम जो है एक खिदमत के जज्बे से क्या, तो वो हिसाब से हम कर रहे हैं। खिदमत के साथ में क्या है भी, मतलब दोनों सोचना पड़ता है, क्योंकि माशी हालत को भी देखते हुए, क्योंकि बजट एक हमारा एक लो बजट में काम सोच रहे थे, मगर थोड़े एक्यूमेंट्स हैं जो हाई हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना हमने यहाँ पे एक सोच कर ये किया। फिर हमारे उलमाए कराम से भी बात हुई थी, उनसे भी हमने सजेशन लिया था, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं बहुत अच्छी बात है और इस वक्त ये ज़रूरत, बहुत ज़रूरत की चीज़ है, तो आप जो है इसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। बस यही मेरी बात करके मैं ख़त्म करता हूँ। वाकई दौलत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो यहाँ पर रहमान फाउंडेशन की जानिब से जो फ्री मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया है, हम लोगों को मालूम है कि लोगों के हालात कैसे चल रहे हैं और इस वक्त लोग कितने परेशान हैं, और ऐसे वक्त में माशाल्लाह रहमान फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए और लोगों के ताउन के लिए। तो हमारे सबसे पहले रहमान फाउंडेशन के जितने भी अहबाब हैं जो हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमजा कुरैशी फ्रॉम VK ह्यूमैनिटी फाउंडेशन बेलगाम। हैज़ वी हैव कंडक्टेड अ कैंप विद रहमान फाउंडेशन एंड ऑल NGOs लाइक अंजुमन, द बिग NGOs ऑफ बेलगाम हैव कंडक्टेड दिस कैम्प, एंड ऑल द स्पेशली डॉक्टर लाइक गुरैशी वसीमुल्ला एंड स्किन डॉक्टर तस्नीम मनो इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू सर्व। So most of the patients are taking the benefit from this camp, and as well as this camp is conducted and free medicine is also available here for the needy patient. So we are always here to help all the NGOs with the support of medicine and with our team of VK Humanity Foundation Belgaum. Thank you very much. पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये हमें सआदत बख्शी है कि तमाम इदारे जो जैसे कि रहमान फाउंडेशन है, VK ह्यूमैनिटी है और अलिकरा फाउंडेशंस हैं, इन तमाम की जानिब से जो है आज यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़े से बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत सारे पेशेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और VK की हमारी यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है जो कि पूरे डॉक्टर्स के साथ और पेशेंट्स के साथ ताउन करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह हमें और भी नवाजे ताकि हम लोगों की और भी खिदमत अंजाम दे सके कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रहमान फाउंडेशन के सब टीम से
क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मेडिकल कैंप यहाँ पे मुनक्कद किया आज, तो बहुत लोगों को इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा पहुँच रहा है एक्चुअली। क्योंकि सुबह से देख रहा हूँ मैं भीड़ जमी है, सब लोग पहले कैसा था लॉकडाउन के टाइम पे बहुत डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, ये मेडिकल कैंप की वजह से क्या हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी तरफ से हम अपना काम कर रहे हैं, लोग पेशेंट्स अपना आके यहाँ से दवाई वगैरह लेके जा रहे हैं। अभी लोगों के दिलों में से ऑलमोस्ट होप भी ख़त्म हो गया है, मतलब सब लोग इतना जिम्मेदारी से अपने काम कर रहे हैं, जैसे हमें अपने अंजुमन वाले भी इतना काम कर रहे हैं, हर चीज़ में मीन्स इतनी मदद कर रहे हैं लोगों को कि लोग अभी डर नहीं रहे हैं मोस्टली कोरोना से। कोरोना तो गया नहीं है अभी, लेकिन हमको डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें।